ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे बड़े जयारोग्य अस्पताल समूह में कुछ दिन पहले डॉक्टर्स ने आंदोलन की धमकी दी थी। उन्हें मना लिया गया तो अब नर्सेज एसोसिएशन आपदा में अवसर तलाशने लगी हैं। एसोसिएशन ने गजराजा मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर समीर गुप्ता को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि अस्पताल के लिए घोषित रिक्तियों पर भर्ती की जाए। गौरतलब है कि जयारोग्य अस्पताल सहित जिला अस्पताल में सिर्फ 280 नर्स पदस्थ हैं, जबकि कोरोना संक्रमण काल में मरीजों की संख्या बेतहाशा बढ़ गई है, लिहाजा नर्सेज पर काम का बोझ भी बढ़ गया है। नर्सेज एसोसिएशन ने बताया कि वो लंबे अरसे से नर्सों की नई भर्ती की मांग को कर रही हैं। प्रशासन उनकी परेशानियों पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए वो आंदोलन की राह पर जाने को मजबूर हैं। आज हमने डीन साहब को अभी ज्ञापन दिया है, क्योंकि हम जब कोरोना 1.5 साल हो गया है इस कोरोना को चलते चलते, उससे पहले भी हमारे मेडिकल कॉलेज GRMC ग्वालियर और JS में नर्सों की भारी कमी थी, और आप लोगों को भी देता है कि हम लोग हमेशा नर्सों की भर्ती की मांग करते रहे हैं। पर कोरोना काल में हैट्रिक है कि 220 नर्सें 1.5 साल से मांग कर रही हैं कि नर्सों की भर्ती की जाए। भर्ती करने के अलावा वार्ड पे वार्ड खोले जा रहे हैं, आपको पता है SDU खोले गया, पूरा देश कोरोना हो गया है, नर्सें काम करते करते अपने आप को थका महसूस कर रही। हमारी 25 से 30 नर्सें कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं, उनके घर वाले पॉजिटिव हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे नर्सों की भर्ती नहीं की जा रही। अभी भी 2 दिन पहले हमने ज्ञापन दिया था, 2 तारीख को फिर एक मीटिंग बुलाई गई डीन सुप्रिटेंडेंट के साथ, माना गया कि हम भर्ती करेंगे, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हम थक हार के 12 मई नर्सेस डे के दिन सांकेतिक धरना देंगे। हम अब हमें पता है कि कोरोना में बहुत ज़्यादा मरीजों को, आम जनता को परेशानी है, इसलिए हम सरकारी कार्य को बाधित नहीं करेंगे और सांकेतिक धरने पर कुछ नर्सें बैठेंगी। उसके बाद भी अगर नहीं मांग मांगी गई तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं आज ही बात करता हूँ ऊपर, और जैसा भी होता है अपन उसको तत्काल भर्ती करने के लिए लिखते हैं। रेखा परमार, प्रदेश अध्यक्ष, नर्सेस एसो मध्य प्रदेश।